डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने अशियाए जरूरिया की बढ़ती हुई कीमतों से निमटने के लिए अंजुमन ताजिरान के साथ एक अहम इजलास की मुनाकिद किया। पेट्रोल की कीमतों में कमी के रद्दे अमल में होने वाली इस मीटिंग का मकसद सारिफीन पर माली बोझ कम करना और गुजरात के अवाम को माशी रिलीफ को फरोग देना था। इजलास में अंजुमन ताजिरान की जानिब से अपनी खुशी से तमाम अशिया खुर्दनी जिसमें दालें, चने, घी, चीनी, आटा और दीगर मुख्तलिफ किराना अजनास समेत मुतअद्दिद अहम अशिया की कीमतों में 10 रुपए फी किलोग्राम की कमी का ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन का इस मौके पर कहना था कि 10 रुपए फी किलो फी किराना आइटम कमी से महंगाई में खातिर खा फर्क पड़ेगा। नई कीमतों का इतलाक आज से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम सारिफीन पर माली दबाव को कम करने के लिए किया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने पेट्रोल की कीमतों में कमी के जिम्न में गुजरात के ट्रांसपोर्टर हजरात से भी एक मीटिंग की जिसमें ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% कमी का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने कहा कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात हर सूरत शहरियों तक पहुंचने चाहिए। उनका इस मौके पर कहना था कि जिलई इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा किराया नामा पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किरायों में 10% कमी का इतलाक आज से कर दिया गया है। सेक्रेटरी आरटीए सख्ती से ट्रांसपोर्टर्स की मॉनिटरिंग करें और जायद वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।